चेतना चौधरी। 44 सरगर्मियों के बीच दरबदल का सिलसिला भी तेजी से चलता है। बताते हैं आपको किसने किस पार्टी का दामन थामा। लोकसभा चुनाव में पार्टियों की गोलबंदी तेज हो गई है। राजस्थान के मारवाड़ इलाके में असर रखने वाली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने चुनाव में बीजेपी के साथ जाने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री और राजस्थान के चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर की मौजूदगी में आरएलपी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एनडीए में शामिल होने का ऐलान किया। इस दौरान प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि हमें बहुत खुशी है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अब हमारे साथ है। हम मिलकर काम करेंगे और आरएलपी के मुखिया बेनीवाल को आग्रह किया है कि वह नागौर से चुनाव लड़े। आरएलपी उम्मीदवार के रूप में वह चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी का बाकी सीटों पर प्रचार भी करेंगे। केवल राजस्थान नहीं, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में भी उनके सभी कार्यकर्ता बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। इसे कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। एनडीए में शामिल होते ही हनुमान बेनीवाल ने कहा कि राष्ट्रहित हमारे लिए सर्वोपरि है। हम मोदी जी को पीएम बनाने के लिए अपनी ताकत लगा देंगे। राजस्थान में 25-0 का रिजल्ट आएगा और कांग्रेस का सूपड़ा फिर से साफ करेंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल खुद खिमसर सीट से विधायक है। वह लगातार खिमसर सीट से निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में चुनाव जीतते रहे हैं। राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी मारवाड़ इलाके के नागौर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, पाली और सीकर जिलों में पार्टी का जनाधार माना जाता है। इस बेल्ट की कई सीटों पर जाट मतदाता निर्णायक भूमिका में है। बेनीवाल के आने से बीजेपी को इस क्षेत्र की लोकसभा सीटों पर लाभ मिल सकता है। पहले चर्चा थी कि बेनीवाल कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस ने नागौर सीट से डॉक्टर ज्योति मिर्धा को टिकट देकर इस पर ब्रेक लगा दिया। ऐसे में बेनीवाल को इस सीट से उतारकर बीजेपी ने नया सियासी दांव खेला है। नेशनल लाइव के लिए चेतना चौधरी की रिपोर्ट।